हेलो डियर व्यूअर्स, अभी का जो वीडियो है ये वीडियो मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों के लिए जो इस साल का कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं, साथ साथ उन भाई और बहनों के लिए भी है जो यूजीसी का एग्जाम देने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, साथ साथ बहुत कुछ आप लोगों को बताना है रिगार्डिंग यूजीसी को लेकर के। आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब है उससे हम लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, कंपार्टमेंट स्टूडेंट साथ साथ यूजीसी को लेकर जो फैसला या तो 20 तारीख या 21 तारीख को हो रहा है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ साथ कल रात को एनडीटीवी के रिपोर्टर रवीश कुमार जी, जिन्होंने नीट और जेईई मीन्स के जो एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए तो बहुत बड़ा सवाल एक खड़ा कर दिया गवर्नमेंट से कि कैसे एग्जाम होंगे, उन्हीं के बीच मेरे प्यारे दोस्तों माफ करें, कल ही उन्होंने एक और अपना जो है आधे घंटे का वीडियो बनाया है, उसका मैं प्रूफ देता हूं, आप देख लेना स्क्रीन पे जाकर, वो वीडियो को बस देखना और ऑब्जर्व करना कि आखिर रिपोर्टर आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, बड़े से बड़े रिपोर्टर आप लोगों के चिंतित में है, उन लोगों का यही कहना है कि कोविड में एग्जाम नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एविडेंस मैं प्रूफ देता हूं। उससे पहले मेरा जो काम है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग एक खुद को सपोर्ट करिए, फिलहाल आप खुद को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, आस पड़ोस में कोई भी नहीं है, अगर होता भी तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी कोरोना है, ठीक है। आप लोग हमेशा कह रहे हैं भैया हम लोग को ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई टीचर नहीं मिल पा रहा है, मेरे प्यारे दोस्तों इस वक्त आपके साथ कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं होगा, आप खुद की हेल्प करो, ठीक है ना। आप कैसे खुद की हेल्प कर सकते हो मैं बता देता हूं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जो भी चैप्टर से या जो भी डाउट्स हैं, आप लोग एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लो या फिर गूगल पे सर्च कर लो, अगर नहीं मिलते हैं तो नीचे कमेंट भी करो, मैं भी कोशिश करूंगा आप तक पहुंचा देने के लिए। साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग घबराना छोड़ो, हमेशा आप लोग घबरा जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सुनने को जब भी आ जाता है आप लोग घबरा जाते हो, या तो एग्जाम होगा उसको लेकर डर जाते हो या फिर ये पढ़ाई मेरे से नहीं हो रहा है उसको लेकर भी डर जाते हो। तो रिगार्डिंग आपके पढ़ाई को लेकर मैं बता दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे दोस्तों, अपडेट्स देने से पहले ये बता दूं कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप लोग पहले हार्ड चैप्टर को कवर कर लो, हार्ड चैप्टर को कवर कर लोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो इजी चैप्टर भी बाद में जाके कवर कर पाओगे। तो अभी जो हार्ड चैप्टर याद कर लिया है, आगे चल के थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे। मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं कि घबराओ मत, ठीक है, घबराना नहीं है, सोचते रहोगे तो हमेशा घबराओगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, माफ कर देना मुझे, आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन देना था, आप बढ़ते अच्छी खबरों की तरफ। तो आप लोग स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए, रवीश कुमार जी, इनका यही कहना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े रिपोर्टर है ये, तो हमारे नेशनल टीवी पे भी आते हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्टर हैं ये, पूरा वीडियो जाके सर्च करो, ये टाइटल को देखो और पूरा सर्च करो और देख लेना कि उनका यही मानना है कि इस बार मतलब एग्जाम कराना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट क्यों नहीं जल्द से जल्द फैसला कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को मेंटली जो प्रेशर आ रहा है ना, जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उसका टेंशन है, जो मेंटल आप लोगों को प्रेशर पड़ रहा है, बच्चे जो सुसाइड कर ले रहे हैं उसके लिए चिंतित है सब लोग, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग भी सोच रहे हैं, डर लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि आज वीडियो बनाने जा रहा हूं तो कोई ये ना कह दे कि एक और बच्चे सुसाइड कर ले, मेरे प्यारे दोस्तों ये सब हम बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते और आप लोगों को सावधान करना चाहते कि आप लोग ये सब बिल्कुल मत करो। प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो सोल्यूशन भी आती है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, डरो मत, ठीक है ना, बस डरो मत। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मैं बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया है, वो जजमेंट सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो बातें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बात कि मेरे प्यारे दोस्तों कि एग्जाम अगर कैंसिल करवाना है तो गवर्नमेंट बोलेगी तब कैंसिल करा सकते हैं, हाँ गवर्नमेंट को यह बोलना पड़ेगा कि हमारे पास सिचुएशन ही नहीं है कि एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए, आप लोग समझ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर गवर्नमेंट बोल देगी कि गवर्नमेंट बोल देता है कि एग्जाम कराना मतलब असंभव है क्योंकि कोरोना है, तो उसी दिन रद्द कर दिया जाएगा। एक और सिचुएशन कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों यूजीसी को, कि अगर यूजीसी बोल देगी कि हम लोग पुराने एग्जाम को लेकर ऑन द बेसिस जो पिछले एग्जाम को लेकर वो उस पे देकर इन लोगों को पास करेंगे तो ये लोग यूजीसी स्टूडेंट्स भी पास कर जाएंगे, तो वही प्रोसेस भी आप लोगों के साथ किया जाएगा। अगर आप लोगों का एग्जाम को कैंसिल कराया जाएगा तो आप लोगों का भी वही सेम सिचुएशन होगा, पुराने जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन्हीं के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा। एक और चीज बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है इस साल बोथ फॉर कंपार्टमेंट स्टूडेंट, आप लोग कहोगे कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि इस साल जो होने वाला है आने वाले 10 साल तक सबको याद रहेगा, आपको याद रहेगा, हम लोग को याद रहेगा, पेरेंट्स को याद रहेगा, आप लोग आज से 10 साल बाद भी ये चीज चर्चा होंगी, आप लोग ध्यान देना कि ऐसा समय था 2020 की बच्चों के कंपार्टमेंट आए थे या ऐसे ऐसे महामारी चल रही थी जो इस सिचुएशन से बच्चे गुजर रहे थे, ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि क्लास 11 के पॉलिटिक्स बुक में एक नया चैप्टर भी इंक्लूड हो सकता है आने वाले समय पे, कोरोना महामारी को लेकर बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। और एक चीज मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, आप लोगों को बहुत बच्चे ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया हम लोग कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, हमारा क्या होगा, हम कैसे एग्जाम देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग खुद का ख्याल रखो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो अभी रहने दो, पहले जिंदगी जरूरी है बाद में पढ़ाई जरूरी है, मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं कि पहले खुद को देख लो उसके बाद पढ़ाई करना। और एक चीज मैं बता दूं, अब देख लिया इन बच्चों को अगर कोविड हुआ ये लोग जाएंगे एग्जाम देने, क्योंकि ये लोग डरे रहेंगे, अब जो पास में आसपास बैठा रहेगा उनको भी 100% कोविड होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यही चीज बताना है आपको, अलर्ट करना है। साथ साथ आज 19 तारीख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल 20 तारीख को बहुत कुछ होना है। एक और शक्ति सर और शिवम भाई का जो पीआईएल चल रहा है, मेरे शिवम भाई से हमेशा बात होती है तो शिवम भाई मेरे को ये चीज अपडेट कर देते हैं कि तुम बताना, तो मैं यही चीज बोल रहा हूं कि कल 20 तारीख को शक्ति सर को कुछ जवाब आ सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। साथ साथ यूजीसी और पीजी को भी लेकर बहुत कुछ चल रही है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। इसी बीच एक और चीज मैं बता दूं,
कि पीआईएल होती रही है मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा लड़ा ही जाएगा आपके एग्जाम को कैंसिल करने के लिए, बात हमेशा चली रही है। आप लोगों को बस एक ही काम करना है मेरे प्यारे दोस्तों, हाथ जोड़ दो, पढ़ाई करते रहो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है ना। अपडेट्स के लिए घबराओ नहीं, अपडेट्स के लिए हम लोग हैं। पीआईएल लड़ाई जो भी होगी, शिवम भाई शक्ति सर और बाकी सारे एडवोकेट्स हैं, हम लोग हैं आप तक अपडेट और न्यूज पहुंचाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी न्यूज आती है छोटी सी छोटी, मैं आप तक पहुंचाता हूं विद प्रूफ। मैं रात के वीडियो में 7 से 8 के बीच आप तक फिर से वीडियो पहुंचाऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मिलते हैं।